से कभी ना टूटने वाला एक मजबूत सा रिश्ता है, ये बात आप जानते हैं। ये जो बॉलीवुड के टीवी के सेलिब्रिटीज हैं, इनको फैंस का प्यार भी मिलती है और ट्रोलर्स की मार भी इन्हें सहनी पड़ती है। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं ट्रोलिंग सेलेब में अक्षरा सिंह के बारे में। वही अक्षरा सिंह जिन्हें आपने अब तक भोजपुरी फिल्मों में लटके झटके लगाते हुए देखा है, और बिग बॉस ओटीटी में अपने धाकड़ अंदाज के चलते अक्षरा ने जो सुर्खियां बटोरी, भाई फैंस तो उनके कायल हो गए। अक्षरा सिंह की आफ्टर बिग बॉस ओटीटी पब्लिक अपीयरेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा भी हुआ है। अब अक्षरा जहां जाती है मीडिया के कैमरे उन्हें स्पॉट करने के लिए पहुंच जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो अक्षरा को स्पॉट किया गया, लेकिन यहां पर अक्षरा ट्रॉलिंग का शिकार हो गई। लोगों ने कह दिया पैंट तो पहन लो मैडम। अब अक्षरा सिंह की कौन सी ड्रेस थी, इस पर लोगों ने किस तरह उन्हें ट्रॉल किया, वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना यहां पर आपको जरूर दे देना चाहेंगे, हम किसी भी सेलिब्रिटीज की ट्रॉलिंग का समर्थन नहीं करते। अक्षरा सिंह को जिन लोगों ने ट्रॉल किया है उनको भी ये समझना चाहिए कि इन कपड़ों में तो वो बड़ी ही प्यारी लग रही हैं। भाई उन्होंने अच्छी खासी वन पीस पहनी है, तो वन पीस के नीचे कौन पैंट पहनता है? वेल, आफ्टर अक्षरा सिंह का ट्रॉलिंग वाला किस्सा, वन थिंग वी आर श्योर अबाउट इज कि ट्रोलर्स सेलिब्रिटीज को हर हाल में ट्रॉल करेंगे, वो कुछ अच्छा करे या बुरा। जिन्हें कभी निकालनी है वो निकालेंगे ही, लेकिन हमें तो अक्षरा बड़ी ही प्यारी लगी। अब चलिए इस ट्रॉलिंग वाले किस्से पर एक नजर डाल लेते हैं, देखिए जरा। सेलिब्रिटीज का ट्रॉलर्स के निशाने पर आना अब काफी ज्यादा आम हो गया है। अब इस कड़ी में नाम जुड़ा है भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बिग बॉस ओटीटी से लौटने के बाद ही काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। बिग बॉस ओटीटी में अक्षरा का जो सफर था वो बहुत ज्यादा लंबा भले ही ना रहा हो, लेकिन जिस तरीके से अक्षरा सिंह ने अपनी जर्नी को जिया है, लोग उनकी काफी ज्यादा तारीफें भी कर रहे हैं। घर से बाहर निकलने के बाद अक्षरा के जो अपीयरेंसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अक्षरा सिंह लोगों के बीच काफी ज्यादा जा रही हैं, स्पॉट की जा रही हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और अक्षरा का स्टाइल स्टेटमेंट उन्हें ट्रॉलर्स के निशाने पर ले आया है। भाई अक्षरा को एक वन पीस ड्रेस में देखा गया, आप वीडियो पर देख सकते हैं। अब अक्षरा ने पहना तो वन पीस है, लेकिन लोग उन्हें कह रहे हैं बिना पैंट के कहां चल दी। आपको बता दें ग्रे कलर के सिंगल कुर्ते में अक्षरा नजर आ रही हैं। अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने चश्मा पहना है, हाथ में पर्स और मोबाइल भी नजर आ रहा है। भाई हमें तो अक्षरा बड़ी ही डिसेंट लग रही हैं, लेकिन लोगों ने जो रिएक्शंस दिए हैं वो काफी ज्यादा अजीब हैं। कुछ रिएक्शंस आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख सकते हैं। लोग लिख रहे हैं आप पर इस तरह के कपड़े शोभा नहीं देते, आप जीन्स और टी शर्ट में बहुत प्यारी लगती हो। आपको बता दें जहां एक तरफ कई लोगों ने अक्षरा की तारीफें की हैं, वहीं कई लोग ऐसे हैं जो अक्षरा को कह रहे हैं कि ऐसे कपड़ों के नीचे पैंट भी पहनी जाती है। वेल आपको बता दें अक्षरा सिंह ट्रॉलर्स को बेहतरीन तरीके से जवाब देना जानती हैं, वो ट्रॉलर्स की ट्रॉलिंग को मुंह तोड़ जवाब भी देती हैं। अभी फिलहाल अक्षरा सिंह ने इस बार की ट्रॉलिंग पर कुछ नहीं कहा है, वो पूरी तरह से शांत हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा जब अक्षरा से सवाल किया जाता है उनकी इस ट्रॉलिंग को लेकर तो वो क्या कहती हैं, क्योंकि ट्रॉलिंग और अक्षरा सिंह ये दोनों एक साथ कतई बर्दाश्त नहीं हो सकते। जब अक्षरा को कोई ट्रॉल करता है वो जवाब भी देती हैं। फिलहाल वो अपने बेबाक इंटरव्यूज को लेकर चर्चा में हैं, जहां वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई बड़े खुलासे कर रही हैं। अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, ब्रेकअप को लेकर अक्षरा सिंह कई तरह के बयान दे रही हैं, और उन बयानों से अलग इस ट्रॉलिंग पर अक्षरा के रिएक्शन का हमें तो है बेसब्री से इंतजार।